हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संस्कार ग्रुप ऑफ स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सेट चैप्टर दैट इज प्रैक्टिकल और वर्ड प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है बेटा, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में यूनियन और इंटरसेक्शन जो डिस्कशन किया था हमने, यूनियन क्या होता है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, वो मैंने बताया था, और उसी पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और कुछ एग्जांपल है वो करेंगे बेटा आज के चैप्टर में, और ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिकल और वर्ड प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो देखो, सबसे पहले तो यूनियन क्या होता है मैंने बताया था। यूनियन का मीनिंग होता है, अगर मैं दो सेट का यूनियन अगर ले रहा हूँ, तो सेट ए के एलिमेंट्स प्लस सेट बी के एलिमेंट्स, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना रखा है रेक्टेंगुलर जो टाइप होगी उसको हम यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो इसके सबसेट होंगे ए और बी की बात होगी। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है ना, तो वेन डायग्राम से समझेंगे बेटा ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे बेटा। तो इस तरह से अगर सेट ए और सेट बी की बात हो रही है, तो मैंने बताया था ये पूरा इधर वाला जो पार्ट है इसको हम ए माइनस बी बोलेंगे, जब ओनली ए की बात होगी ना। ओनली ए मानी भी ओनली ए के एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ये बी माइनस ए होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बीच में जो है ये कॉमन पार्ट होगा जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, और ये जो पूरा है ना ए यूनियन बी बोला जाएगा इसको पूरे को। ठीक है, और बीच का जो कॉमन पार्ट है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट जो है कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, उसी से आपका जो है क्वेश्चन होगा। लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मीनिंग है वो वाले सेट जिनके एलिमेंट्स आप काउंट कर सको ना। फाइनाइट का मीनिंग 100, 200, 50 या फिर 60 हो सकता है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इसका मीनिंग है भी इसमें कोई कॉमन एलिमेंट अगर ना हो, दोनों सेट में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो 5 होगा ना। और ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट भी बोलेंगे, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। देन तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, एन, एन का मीनिंग होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीनिंग है ए प्लस बी। तो सिंपल फर्स्ट वाला क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी है ना, दोनों का हमने प्लस कर दिया। जैसे कल को मान लो इसमें अगर सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 4, 5 और 6 एलिमेंट है, तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं। अगर मैंने फाइंड करना है एन ए यूनियन बी, यानी ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ना, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 3 + 3 जो है टोटल 6 एलिमेंट आ जाएंगे। वैसे इस तरह के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं बनते। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, देखते हैं सेकंड के। इन जनरल इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट है ना, जनरली बात कर रहे हैं, ए और बी अगर फाइनाइट सेट है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देन तो सेकंड फॉर्मूला ये बनता है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। एन लिखा हुआ है, एन का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इक्वल टू लिखा हुआ है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ना। तो देखो इनका मीनिंग ये होता है, अगर मैंने ए यूनियन बी यानी ये पूरा अगर पता करना है ना, ए यूनियन बी अगर मैंने फाइंड करना है, तो पहले क्या करूँगा, मैं ए के एलिमेंट करूँगा प्लस बी के एलिमेंट, पर ये जो कॉमन पार्ट है मैंने दो बार ऐड कर दिया, तो उसको मैंने ए माइनस कर दूंगा मैं एक बार ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझा रहा था इस फॉर्मूले में, इस पे क्वेश्चन करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखो, थर्ड वन इज एन ए माइनस बी है ना, इक्वल टू है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब ओनली की बात होगी। इससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे अगर ये वाला फॉर्मूला की बात हो रही है, अगर इसको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये ए माइनस बी होता है और ये होता है बी माइनस ए, और ये कॉमन पार्ट, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस। देखो एन का मीनिंग है कार्डिनल नंबर। थर्ड वन देखते हैं अभी, देखो ए माइनस बी का मीनिंग है ओनली जब ए की बात होगी, यानी अगर दो सेट की बात हो रही है और अगर ओनली ए, यानी अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कुछ जो है वो कॉफ़ी भी पीते हैं ना, अगर ओनली चाय की बात हो रही है, या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और कुछ हॉकी भी खेलते हैं ना, अगर ओनली हॉकी की बात हो रही है, तो सेट ऑफ एन ए में से मैं माइनस कर दूंगा कॉमन वाले एलिमेंट्स। ऐसे ही अगर
सिमिलरली एन बी माइनस ए होगा तो एन ऑफ बी है ना, बी सेट के एलिमेंट्स में से ए इंटरसेक्शन बी यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो माइनस किए जाएंगे, ये क्वेश्चन में देखेंगे बेटा। ये फोर्थ है, लास्ट फॉर्मूला है, अगर दो की बजाय तीन अगर सेट दे रखे ना, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट देन एन ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, अगर तीन सेट की बात होगी, देखो यूनियन का मीनिंग है या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो ना, या फिर यहाँ पे वर्ड यूज किया जा सकता है एट लीस्ट है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला को समझा रहा हूँ बेटा मैं, सबसे पहले ना इन्होंने क्या किया, सेट ए के एलिमेंट्स प्लस कर दिए फिर बी के फिर सी के ना, ये स्टार्टिंग में एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ सी, फिर इन्होंने क्या किया ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे जब मैं ए और बी को मैं दो बार प्लस कर रहा हूँ तो ये दो दो बार ऐड हो गए इंटरसेक्शन वाले, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी है ना, ये दो दो बार प्लस कर दिए तो एक एक बार यहाँ पे माइनस कर रखे इन्होंने। अब ये जो बिल्कुल बीच वाला जो कॉमन पार्ट था जिसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, ये तीन बार माइनस कर दिया तो एक बार इसको मैंने प्लस कर दिया ना, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला जब तीन सेट की बात होगी इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स है ना, तो एक्स यूनियन वाई का मीनिंग है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू दे रखा है 50 है ना, एक्स हैज 28 एलिमेंट्स यानी एन ऑफ एक्स जो है वो 28 दे रखा है। नेक्स्ट है एन ऑफ वाई है ना, यानी वाई में एलिमेंट कितने हैं 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव है ना, तो कॉमन वाला पूछा आपसे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, वी नो फॉर्मूला कौन सा था, एन ऑफ अगर ए और बी की जगह पे एक्स और वाई आ गया ना यहाँ पे, एक्स यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन वाई इक्वल टू क्या होगा एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ना, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 50 गिवन है बेटा, एन ऑफ एक्स क्या 28 प्लस एन ऑफ वाई 32 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में ले गए एक्स इंटरसेक्शन वाई को, 28 प्लस 32 कितना होगा 60 और 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से यानी ये वो वाला एलिमेंट है जो x में भी है और y में भी है ना, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो आंसर विल बी 10। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में क्या है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर है ना, देखो यहाँ पे ये रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ से सेट का जो यूज होता है यहीं से समझा जाता है। इसमें एग्जाम्पल में क्या दे रखा, स्टेटमेंट है इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स है ना, स्कूल की बात हो रही है, 20 टीचर जो हैं जो या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स, तो 12 ऐसे टीचर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी है ना, जब बोथ की बात होगी यानी इंटरसेक्शन की बात हो रही है और जब और की बात होगी तो यूनियन की बात हो रही है ना, एक तरीके से ऐसे समझा जाएगा। हाउ मैनी टीच फिजिक्स है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे 20 टीचर की बात हो रही है, अगर मैं सपोज कर लूँ भी m जो है वो वाले सेट हैं जो मैथमेटिक्स वाले हैं ना, लेट m डिनोट द सेट हु टीच मैथमेटिक्स है ना, तो n ऑफ m कितना होगा ना, तो 12 टीचर मैथमेटिक्स तो 12 होगा, n ऑफ p यानी जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना वो हमें फाइंड करना है, और m यूनियन p जो है यानी मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने होंगे 20, और बोथ वाले भी दे रखे हैं यानी n m इंटरसेक्शन p जो है वो आएगा 4, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था, m यूनियन p इक्वल टू क्या होगा n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n m इंटरसेक्शन p ना, तो वही वाला फॉर्मूला अलग अलग तरीके से यूज होगा। तो यूनियन का हमें पता 20 है, एन ऑफ एम 12 होगा, एन ऑफ पी हमें पता नहीं है ना, ये फाइंड करना है, यानी आपको वो वाले टीचर नंबर ऑफ टीचर फाइंड करने जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना,
और इंटरसेक्शन यानी 4 है ना, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, एन ऑफ पी कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 8, तो 20 माइनस 8 जो 12 आ जाएगा। यानी 12 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाएंगे। पर अगर अभी इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा होता अभी ओनली फिजिक्स है ना, तो जब जब ओनली फिजिक्स की बात होगी तो आप लोग क्या करोगे, एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। जब ओनली फिजिक्स की बात होगी तो जो कॉमन टीचर होंगे उनको आप माइनस कर दोगे, यानी 12 माइनस 4 जो है वो 8 आंसर आ जाएगा। और इसको डिनोट ऐसे किया जाएगा एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी है ना, ये फॉर्मूले से यूज होगा। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जांपल में क्या है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। देखो 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट दे रखे हैं एन ऑफ यू, यानी 200 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। साथ में बोल रखा 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1 है ना, तो एन ऑफ में अगर C1 की बात करूँ तो कितना दे रखा है यहाँ पे 120, 52 केमिकल C2 ना, तो एन ऑफ C2 जो है वो 50 दे रखा है, एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2 ना, बोथ का मीनिंग है इंटरसेक्शन, तो एन C1 इंटरसेक्शन C2 जो है वह 30। अब फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 ना, तो केमिकल C1 का मीनिंग क्या है, कि केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, इसका मीनिंग ये भी आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वाला देखो, एन ऑफ C1 माइनस जो कॉमन वाले एलिमेंट्स है वो आप माइनस कर दोगे, एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एन ऑफ C1 यानी 120 और कॉमन कितने थे 30, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 90, ठीक है, यानी 90 केमिकल C1 वाले होंगे ओनली वाले ना। सेकंड देखो, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 है ना, तो एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो एन ऑफ C2 कितना यहाँ पे 50 माइनस 30 ये 20 आ जाएंगे, सेकंड का आंसर होगा 20। थर्ड कौन सा, केमिकल C1 और केमिकल C2 यानी यूनियन की बात होगी, जब और आएगा तो यूनियन और जब एंड आएगा तो इंटरसेक्शन, तो थर्ड वाले का क्या आंसर होगा, यानी आपको यूनियन फाइंड करना है ना, C1 यूनियन C2 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन सी ऑफ 1 प्लस एन सी ऑफ 2 माइनस है ना, इधर माइनस आएगा, माइनस लिखा जाएगा, फॉर्मूला आपको बेटा अप्लाई करना है इसमें, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे बेटा, माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है 120 प्लस C2 50 माइनस 30 लिखा जाएगा, तो 170 माइनस 30 कितना होगा 140, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा बेटा 140, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जांपल 4, आप वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ एग्जांपल है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल है ना, देखो स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो है 600 है ना, तो ऐसा अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूँ ना, अगर तो स्कूल जो है एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें 600 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और बात हो रही है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी है ना, तो ऐसा है अभी 150 अगर एक सेट ए की बात कर रहा हूँ और सेट बी की बात कर रहा हूँ ना, तो 150 स्टूडेंट जो है वो चाय पीते हैं ऐसा बोल रखा है, तो सेट ए वो वाले हैं जो चाय पीते हैं ना, तो एन ऑफ ए कितना होगा 150, तो इसमें 150 स्टूडेंट्स हैं ना, सेट बी वो है जिसमें वो वाले स्टूडेंट्स आएंगे जो कॉफ़ी पीते हैं ना, ये 225 आएगा, तो एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना होगा 225। अब 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी ना, तो जब बोथ आ गया तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दे रखा 100। फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा पूछा है बेटा, वो वाले स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो ना तो चाय पीते हो ना ही कॉफी पीते हो ना, ऐसा है क्वेश्चन में,
तो पहले तो आप वो वाले स्टूडेंट्स फाइंड करो जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी ना, तो एन ए यूनियन बी मैं फाइंड करूँगा। इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 150 प्लस 225 माइनस 100, तो 150 प्लस 225 कितना होगा, ये होगा 375 माइनस 100 है ना, तो 275 आएगा। तो एन ए यूनियन बी का मीनिंग है कि कम से कम है ना वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ये 150 था, ये 225 और कॉमन कितने थे 100, तो इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए ए यूनियन बी में 275। अब स्कूल में टोटल जो है वो 600 स्टूडेंट्स है ना। अब क्वेश्चन में पूछा था अभी आपको वो वाले स्टूडेंट्स बताने हैं जो ना तो चाय पीते हो ना कॉफ़ी, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना था, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे, इन एन ऑफ यू माइनस एन ए यूनियन बी, यानी आप 600 माइनस 275 तो आएगा 325, ठीक है। यानी 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते ना कॉफ़ी पीते, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल फाइव है ना। एग्जाम्पल फाइव में क्या, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल है ना, तो 60 पीपल की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल सेट में 60 पीपल होंगे। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच है ना। यहाँ पे देखो तीन सेट की बात हो रही है, तो अगर तीन सेट की बात की जा रही है तो यहाँ पे मैंने दे रखा है भी 25 पीपल जो वो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक सेट ये हो गया, ठीक है। तो 25 यहाँ पे आएगा, 26 रीड न्यूज़पेपर टी है ना, ऐसा कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ना, यानी एन ऑफ एच जो है वो दे रखा 25 और एन ऑफ टी कितना दे रखा 26 है ना, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो एन ऑफ आई जो है वो भी 26 दे रखा है। साथ में लिखा हुआ 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो एन ऑफ एच एंड आई का मतलब इंटरसेक्शन, ये 9 आएगा। 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एन एच इंटरसेक्शन टी 11 आ गया। और साथ में लिखा हुआ 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो एन टी इंटरसेक्शन आई कितना आएगा 8, एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर है ना, तो तीन ऐसे पीपल हैं, तीन ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो ये इंटरसेक्शन आएगा तीनों के बीच में, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I जो है वो आएगा 3 है ना। फाइंड क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं ना, एक ही स्टेटमेंट में दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फर्स्ट वाला क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर है ना, भी कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो यानी यूनियन की बात हो रही है ना, तो यूनियन वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक बार, एच यूनियन टी यूनियन आई जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे, एन ऑफ एच जो लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था, प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई, तो माइनस कर देंगे एक बार, एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच इंटरसेक्शन आई, तो माइनस टी इंटरसेक्शन आई है ना, एक बार प्लस करेंगे एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लिखा जाएगा 25 प्लस, सबकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, तो 25 प्लस 26 प्लस 26 ये 77 प्लस 7 है ना, तो 80 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 कितना होगा, 9 माइनस 11 माइनस 28 है ना, तो 52 के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 52, ठीक है। यानी 52 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना, हो सकता है कोई दो भी पढ़ता हो या तीन भी, कम से कम बोला ना, तो 52 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेकंड देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर है ना, देखो इसको वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हो, बट अगर आप वेन डायग्राम से सोल्व करोगे तो कम टाइम लगेगा। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर है ना, ओनली एक ही पढ़ते हो ना, तो ऐसा हो सकता है ये जो है एन ऑफ एच का मीनिंग है, इसमें टोटल 25 दे रखे हैं, ठीक है, और ये है एच इंटरसेक्शन टी जो 11 दे रखा है, इस पूरे में 11 है, और इस
H इंटरसेक्शन I, ये I वाला सेट है बेटा, इसमें 9 है ना, और इसमें कितने टोटल 8, और ये तीनों जो पढ़ते हैं ना, द नंबर ऑफ पीपल जो थ्री तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो 3 है ना, तो अगर ये टोटल 11 है और ये 3 है तो ये कितना होगा, ये 8 होगा, ये टोटल अगर 9 है और इसमें अगर 3 है तो ये 6 होगा ना, ठीक है, और अगर ये टोटल 8 दे रखा है इतना और इसमें 3 है तो ये 5 होगा। अब आपको क्या फाइंड करना था, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर ना, तो एग्जैक्टली का मीनिंग है ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, बस आपको ये वाला फाइंड करना है। तो 25 टोटल है, माइनस कर दूंगा मैं 8 प्लस 3 प्लस 6 है ना, तो 8 प्लस 3 11 प्लस 6 कितना होगा 17, तो 25 माइनस 17 कितना होगा 8, फिर प्लस, अब इस पूरे का अगर पता करना तो ये पूरा तो 26 था, तो माइनस करेंगे इसमें से 8 प्लस 3 प्लस 5 तो 16, तो प्लस 10 हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इस पूरे में कितने 26 है ना, ठीक है, 26 पीपल वो है जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें से माइनस कर दूंगा 6 प्लस 3 प्लस 5 यानी 14 माइनस करूंगा 26 में से तो कितना आएगा 12, तो टोटल 30 आंसर आ जाएगा इसका, यानी सेकेंड स्टेटमेंट का आंसर होगा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो 30 ऐसे हैं जो ओनली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से सोल्व करोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे पूरे सेट पे। एग्जांपल 6 जो है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, है ना, देखो तीन प्रोडक्ट की बात हो रही है, ए बी और सी की, यहाँ पे मैंने बना रखा सेट ए को ऐसे वेन डायग्राम से बनाया बेटा, ये यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट किया, और सेट ए में जो है 21 पीपल है, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, है ना, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ई एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, है ना, ये बना रखा है मैंने, ये सी एंड ए का 12 पीपल है ना, और ये 14 पीपल ये वाले हैं जो बी और सी वाले हैं, और ये अगेन 14 पीपल आएंगे जो ए और बी वाले हैं, और ये जो 8 पीपल ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं ना, तो आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड हाउ मनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, सी ओनली का मतलब है जो कॉमन है उसको माइनस कर दोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, एन ऑफ सी माइनस करोगे आप, तो माइनस कौन कौन से करेंगे, एक तो ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी, और एक बार प्लस करना पड़ेगा जो कि मैंने दो बार माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें वैल्यू पुट की जाएगी, एन ऑफ सी कितना दे रखा है 29 और सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए का इंटरसेक्शन कितना है 12 और सी इंटरसेक्शन बी कितना होगा, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन कितना था 14, माइनस कर देंगे और प्लस कर दिया जाएगा 8 है ना, तो कितना होगा 29 प्लस 8 हो जाएगा ये 37 माइनस 12 और माइनस 14 तो 6, तो कितना आएगा 4 प्लस 7 11 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, तो 11 यानी 11 लोग ऐसे हैं जो ओनली सी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो इसको आप वेन डायग्राम से सोल्व कर सकते थे, मैं दोबारा समझा दूँ ये क्वेश्चन, आपको ये फाइंड करना था अभी सी प्रोडक्ट को ओनली सी वाले, तो ये वाला पार्ट आपको करना था, अब टोटल इसमें कितने थे 29, तो मैंने क्या लिखा, ये 29 लिख दिया इधर, ठीक है, अब एक बार ये माइनस कर दिए माइनस 12 और माइनस 14, तो ये वाला जो कॉमन पार्ट था ये मैंने दो बार माइनस कर दिया, तो एक बार मैंने प्लस किया ना, तो अब फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 7, तो लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट, है ना, देखो आपको लिस्ट बनानी है इन सब के सबसेट की ना, तीन एलिमेंट दे रखे हैं, तो मैंने बताया था अगर तीन एलिमेंट हो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2n यानी 8 इसके सबसेट होंगे, तो सबसे पहला सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, है ना, ये सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट कौन सा होगा, पहले 1 वाले देख लो, माइनस 1 फिर 0 आएगा एक बार, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, फिर 1 फिर माइनस 1 कॉमा 0
फिर 0.1, फिर -1.1 है ना, फिर दो वाले आ गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। एक बार ये खुद आ जाएगा -1, 0, 1, तो टोटल इसके 8 सबसेट होंगे। ठीक है, इस तरीके से सबसेट लिखने थे। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा ना, इसके बाद सेट चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लेटर इन रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो इक्वेशन लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ ना, तो जब भी आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, मान लो सेट ए की बात कर रहा हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ना, इक्वेशन को लिखेंगे तो आपको कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं करना बेटा ना। पहले ई लिख दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद क्यू, फिर उसके बाद यू, फिर ए आ गया ना, फिर टी, फिर आई, है ना, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद एन। और कोई भी अगर इसमें एलिमेंट जो है अगर रिपीट होता तो उसको एक ही बार लिखना था, ठीक है। सेकंड देखो, अगर सेट बी मान लो मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो पहले मैंने एम लिख दिया, ऐसे आप टिक कर लो, उसके बाद ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर एम जो है वो दोबारा आ रखा, तो इसको एक ही बार लिखना है। ए भी पहले मैं लिख दिया, उसके बाद टी भी लिख दिया ना, फिर आई लिखेंगे, आई, उसके बाद सी और एस। तो मैथमेटिक्स को हम ऐसे लिखेंगे, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ पहले मैं, तो रोस्टर फॉर्म में जो भी अगर रिपीट हो रहा है बेटा लेटर, तो उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। सी स्कूल का लिखते हैं, तो एस, फिर सी, फिर एच। अब ओ दोबारा तो हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना। तो ये तो थी रोस्टर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसी सेट को ना, एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ इक्वेशन, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। मैथमेटिक्स को हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ, एक्स इज ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ओनली प्रॉपर्टी लिखनी होती है बस। स्कूल को कैसे लिखेंगे, एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ, लेटर ऑफ स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल एन। और रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करोगे। तो इससे ये पूरा चैप्टर कवर हो गया बेटा ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।